एक ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, शायद धुआं ही नहीं आपके कानों से खून निकल जाए। आज लप्पू की माँ के बारे में आपसे चर्चा करनी है एक विषय पे। और सबसे पहले आपको बता दूं, सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हो, भारत देश में करवा चौथ मनाया जाता है आज के दिन। और ये वीडियो मैं रात को बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती करवा चौथ की सुबह अपने मुंह से मैं ऐसे शब्दों को बयान करूं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, कुछ भी ऐसे शब्दों का बयान ना करूं जो मुझे खुद कहने में अच्छा ना लगे। तो चलिए बात करते हैं, आप सभी भाई बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भाई हैं, भगवान उनकी उम्र 100 गुना लंबी करे। जो हमारी बहनें हैं, उनके पतियों की उम्र भगवान हमारी करवा माई 100 गुना लंबी करे। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो पत्नी अपने पति के लिए करती है, सुहागिन पत्नियां। और मैं जानती हूँ इस करवा चौथ में ऐसा कुछ सीमा हैदर करेगी जिसे देखने के बाद हमारी सनातनी बहनों का खून खौल जाएगा, आग बबूला हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि सीमा हैदर ऐसा करते ही आई है। जब भी इसने भारत में हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म का सवाल उठा है तो सीमा हैदर ने हमेशा धज्जियां उड़ाई है। सीमा हैदर ने यह साबित कर दिया कि ये लो तुम्हारे सनातन की मैं ऐसी धज्जियां उड़ाती हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मुझे रोक के दिखा दो। जैसा कि आप लोग जानते हो, करवा चौथ हम सुहागिन बहनों के लिए बहुत मायने रखता है। सारी बहनें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती है, व्रत रखती हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, और ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो। और जिनके पति देश सेवा कर रहे हो, अपने पतियों की शुभ कामना के लिए व्रत रखती कि हमारे पति परदेश में है, भगवान उनकी लंबी उम्र करे। और हमारे देश की जो मुस्लिम बहनें हैं, हमारे धर्म का बड़ा सम्मान करती हैं, वो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हमारे धर्म से, वो हमारे अपने इस्लाम के साथ साथ हमारे धर्म का भी मान सम्मान करती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीमा हैदर जब से भारत में आई है, इसने लगातार आप भारत को चैलेंज किया, भारत के हिंदुओं को चैलेंज किया और साथ में भारत के मुस्लिमों को टारगेट किया है। मैं जानती हूँ इस करवा चौथ सीमा हैदर बहुत बड़ा कांड करेगी, क्योंकि इसके भाई एपी सिंह ने आकर दिखा दिया कि मैं पाकिस्तानी सीमा हैदर का भाई यहाँ बैठा हूँ। राज जो कि गुलाम हैदर का बेटा है फरहान, राज सिंह जो पहले राज मीना के नाम से बोलता था, राज सिंह, राज प्रकाश सिंह, इसने जो नाम अपना दे दिया एपी सिंह ने, क्योंकि एपी सिंह है ना, सचिन मीना के नाम पे तो मीना ही आता, सिंह मैंने कभी सुना नहीं। तो ये बंदा जो सामने आया है, तो उसके बाद हम जानते हैं कि सीमा हैदर धज्जियां उड़ाएगी सनातन की। ये जो अपने बच्चे के उम्र के लड़के के साथ बैठकर पतिव्रता नारी होने का वो करती है, ढोंग करती है, ये दिखाती है कि मैं, सचिन मेरा पति है, उसके लिए मैं करवा चौथ के व्रत रख सकती हूँ, उसके लिए मैं सनातन धर्म को फॉलो कर रही हूँ। जो कि ये औरत लगातार हमारे सनातन धर्म पे वार कर रही है। सनातन धर्म क्या होता है इसे पता है? ये उस लड़के के लिए व्रत कर रही है जिसके लिए ये इनलीगल रिश्ते में रह रही है, और उस लड़के के लिए व्रत करके अपने उस पाकिस्तानी पति की धज्जियां उड़ा रही है जो गुलाम हैदर इसका रियल पति है, जो कानूनन इसका पति है। और लप्पू जिसके साथ ये नाजायज रिश्ते में रह रही है, उसको लगातार ये सनातनी अपने आप को बताती है और उसको अपना पति बताती है। कहीं ना कहीं ये हमारी सुहागिन बहनों का अपमान करती है। ये दिखाती है आप जो व्रत करते हो तो वो तो कोई भी इनलीगल रिश्ते में रही औरत भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है। इसने, इसके भाई ने इसे सामान भेजा है तो ये वो चीज अभी दिखाती है जो कि भेजा नहीं है। ये जो ढोंग करती है, शुरू से करती आई है उस ढोंग को, आज करवा चौथ के दिन बहुत सारी सुहागिन बहनों को गुस्सा आएगा, खून खोलेगा सीमा हैदर को देख के, क्योंकि ये अपनी सारी हद पार करेगी। इसने जो कि किया था इनलीगल शादी करके, ऑन लाइव इसने इनलीगल शादी करी थी, सुहागन पत्नी बन के मंडप पे बैठ जाती है, साथ में इसके 4 बच्चे। अरे बेशरम औरत, बेहया औरत, बदतमीज औरत, और साथ में जो लप्पू का खानदान इसका साथ दे रहा है। और आज लप्पू की अम्मा के लिए मैं यहाँ बात रखने वाली हूँ, कान खोल के आप लोग सुन लेना। और एक सवाल आज मेरा लप्पू के लिए है, और लप्पू के बाप के लिए है, लप्पू की भाभी के लिए है, लप्पू की माँ के लिए है, क्योंकि लप्पू की माँ एक देहाती औरत है और देहात क्षेत्र में करवा चौथ को बड़ा पवित्र माना जाता है, बड़ा उसको पति की लंबी उम्र के लिए माना जाता है। जैसा कि लप्पू की ये सौतेली माँ है,
और जवान भी है, सीमा हैदर से कम उम्र की लगती है भाई, और लप्पू इसका सौतेला बेटा है जो कि 21 साल का है। तो लप्पू जो है इसका सौतेला बेटा है, लप्पू की माँ भी व्रत रहेगी। और ये लप्पू की माँ, गांव के लोग जानते हैं करवा चौथ क्या होता है, व्रत क्या होता है, पति की लंबी उम्र क्या होता है, वो ग्रामीण औरतें और या शहर की औरतें, हिंदू औरतें अच्छी तरीके से जानती हैं। निर्जला व्रत रखती है अपने पति के लिए कि दिन भर पानी का एक बूंद नहीं पीती है। करवा माता से दुआ करती है कि उनके पति की उम्र 100 साल लंबी हो और उनका सुहाग अमर रहे। और अगर वही लप्पू की माँ का सच आपके सामने आए, और वो भी सच इतना भयानक जिसे सुनने के बाद आपके कानों से धुआं निकल जाए, आपके कानों से खून निकल जाए, जो भोले भाले लप्पू की माँ दिखती है सोशल मीडिया पे, आके ये बैठ जाती ना गोबर गणेश जैसी, जिसे सीमा हैदर ने खरीद लिया था 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाले और इसके मुंह को बंद कर दिया गया, क्या उस लप्पू की माँ का कैरेक्टर आपको पता है? इसका क्या रहा या क्या इस समय चल रहा है? आप में से किस किस को पता है मुझे बताना। जिस तरीके से महिला बैठ जाती है सोशल मीडिया पे, ये दिखाती है मैं भोली भाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और जिस तरीके से इसका सौतेला बेटा एक पाकिस्तानी इनलीगल औरत के इनलीगल रिश्ते में रह रहा है, जबकि उसका पति जिंदा है, उसके 4 बच्चों के सामने है, ये धज्जियां उड़ाते हैं। तो इस माँ का अगर आपको कैरेक्टर पता चलेगा तो क्या आपको कैसा लगेगा मुझे जरूर बताना। और लप्पू की माँ भी व्रत रखेगी, आप में से कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्या लप्पू की माँ ने अपने पड़ोसी के लिए व्रत रखा? क्या लप्पू की माँ ने अपने पड़ोसी आशिक के लिए व्रत रखा था? लप्पू की, अगर आप लप्पू को पता चले उसकी माँ उसके बाप को छोड़ के जो कि जिंदा है किसी आशिक के लिए व्रत रख रही है, उसके लिए सुहाग कर रही, चांद देख रही है, तमाम चीजें कर रही है, और नेत्रपाल का शकल देख रहे हो आप कि वो उसके शकल में 12 बजे हुए हैं, वो बड़े गुस्से में दिखाई देता है बाबा के व्रत में, सॉरी जो बर्थडे थे उसमें भी देखा होगा उसका लप्पू के बाप का चेहरा उतरा हुआ है, बड़ा गुस्से में है बाप, और जबकि उसका बाप को मिलने वाले हजारों लोग आ रहे हैं। तो लप्पू की माँ ने अगर नेत्रपाल के लिए व्रत नहीं रखा तो किसके लिए रखा है? मुझे लगता है जिस तरीके से सचिन को सपोर्ट कर रही है, लप्पू को सपोर्ट कर रही है, जिस तरीके से सीमा हैदर को अपनी सनातनी बहू मान रही है, तो भाई मुझे नहीं लगता इसने नेत्रपाल के लिए व्रत रखा है, इसने अपने आशिक के लिए व्रत रखा है। लप्पू की माँ पूरी तरीके से अपने आशिक के लिए व्रत रखी है, और यह व्रत भी अपने आशिक को देखकर तोड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो यह कभी भी एक इनलीगल 4 बच्चों की माँ को एक्सेप्ट नहीं करती, जबकि उसका पति जिंदा है और अपनी पत्नी और बच्चों की मांग कर रहा है। जरूर लप्पू की माँ भी नेत्रपाल के अलावा अपने आशिक के लिए व्रत रखती है, उसके लिए ही करवा चौथ का व्रत रखती है। अगर नहीं रखती होती, नेत्रपाल के लिए रखती होती, कभी भी अपने धर्म में, अपने देश में एक इनलीगल औरत के हाथों ऐसा व्रत ना रखवाती जो एक सुहागिने रखती है। तो लप्पू का पूरा खानदान शामिल है भारत में इन संस्कृति की धज्जियां उड़ाने में, और लप्पू का पूरा खानदान शामिल है हमारे भारत में, जो प्यारा सा भारत है, इसकी संस्कृति है, इसकी सभ्यता है, लोग दिल से यहाँ पे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम निभाते हैं, अपने धार्मिक कार्यक्रम निभाते हैं, उन्हीं धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इस 2% की इनलीगल घुसपैठी के हाथों गंदा करवाते हैं, एक गलत मैसेज देते हैं भारत में कि करवा चौथ जैसा पवित्र बंधन जो सुहागिन औरतें सिर्फ अपने पतियों के लिए रखते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए रखते हैं, कोई भी 4 बच्चों की माँ इनलीगल भारत में घुसकर आएगी अपने पति को धोखा देकर सब कुछ बर्बाद करके, तो वो किसी भी छोटे बच्चे से अपने बेटे के उम्र के लड़के के नाम पर वो सुहागिन बन जाएगी और उसको जबरदस्ती उसके साथ वो सारी चीजें दिखाएगी जो कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता इस चीज को अलाउ नहीं करता। आज करवा चौथ है, लेकिन ये वीडियो मैं रात में शूट कर रही हूँ क्योंकि करवा चौथ के दिन हम नहीं चाहते कि हमारे मुंह से कोई भी नेगेटिविटी सामने आए। अपने पतियों के लिए हम लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, और हम दुआ करते सभी की, जितने भी सुहागिन हैं हमारे भारत के हिंदू भाई बहन जो भी करवा चौथ मनाते हैं, और कई मुस्लिम भी इस चीज को मानते हैं, तो उन सभी के पतियों की लंबी उम्र हो और उन भाइयों की उम्र लंबी हो, और सभी लोग नियम से अपने धर्म के अनुसार इस पर्व को मनाएं। अपनी करवा माई से दुआ करें कि उनकी पतियों की लंबी उम्र हो।
और किस किस को दुख तकलीफ होती है कि एक दो टके की भगोड़ी हमारे भारत में आकर घुस जाती, हमारे धर्म का मजाक बनाती और हम मूक दर्शक बनकर उसको देखते और सुनते रह जाते हैं। ये हमेशा धज्जियां उड़ाती है, लेकिन हमें भरोसा है आज भी अपने कानून पर, और भरोसा है मोमिन मलिक सर पे, हमारे भारत देश में जो गंदगी दो टके की भगोड़ी मचा रही है, जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारा कानून इसे बिल्कुल नहीं बख्शेगा। जिस तरीके से एपी सिंह ने इस दो टके की औरत के हाथों हमारे भारत देश को गंदा कर दिया, हमारा कानून इसे कभी नहीं बख्शेगा। और साथ में लप्पू की माँ के लिए मुझे कमेंट जरूर करेगा, क्या इसने नेत्रपाल के लिए मनाया है करवा चौथ? या जिस तरीके से गंदगी का साथ दे रही है, गलत चीज को सपोर्ट कर रही है, तो ये अपने आशिक के लिए करवा चौथ मना रही है? इस चीज को देख के कोई मुझे ऐसा कमेंट मत करिएगा गलत, वरना धज्जिया मैं आपकी भी उड़ा दूंगी, क्योंकि मैं पहले गलत चीजों को मैं ध्यान नहीं देती हूँ, अगर मैं करती हूँ तो फिर कानूनी एक्शन उस पर लेती हूँ, क्योंकि हम हक रखते भाई। हमारे भारत देश में हमारे सनातन धर्म को इस औरत ने हर जगह तार तार किया है। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ जल्द से जल्द ऐसे मामलों को सुने और ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द फैसला दे, ताकि हमारे देश में सांप्रदायिकता ना भड़के, गलत चीजें ना फैले, एक दो टके की इनलीगल औरत की वजह से हमारे समाज में गंदा मैसेज ना जाए। हमारे सनातन धर्म को तार तार करने वाली ये भगोड़ी जल्द से जल्द हमें जेल में चाहिए। मेरा भारत सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वरना मीना परिवार ऐसी गंदगी को बढ़ावा देता रहेगा। इस मीना परिवार को जल्द से जल्द जेल में डालें, जो भी कड़ी से कड़ी सजा इसको हमारा कानून दे, उस पर बहुत तेजी से जल्द से काम किया जाए। क्यों नहीं, अभी तक चार्जशीट आई है, बहुत बड़ा मामला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कैश ट्रांसफर करने की बात जब से आई है या मोमिन मलिक सर रखेंगे, तो बहुत जल्दी यूपी पुलिस चार्जशीट भी दाखिल करेगी और जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से अपना कमेंट अपना जवाब जरूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से धन्यवाद।